और मैं सेपरेट हो गए हैं बिकॉज लड़का और लड़की की अलग फ्यूज थी। सब कुछ बदल गया पर वो दुश्मनी आज भी कायम है। लोग उसी जज्बे के साथ आए हैं पाकिस्तान को दिखाने कि हमें कितना जुनून है। हाय गाइस, सो वी आर गोइंग टू अमृतसर। इट्स आवर फर्स्ट व्लॉग। सिर्फ एक घंटा दूर है वाघा बॉर्डर के। वी कांट वेट। ऑलरेडी हमारा 4-5 आवर्स ऑफ ट्रेवल हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। सो वी आर लकी कि आज का ही डे हम लोग आज। आई एम ऑल्सो वेरी लकी। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड अ न्यू चैनल बिकॉज़ वी बोथ शेयर द सेम पैशन ऑफ ट्रैवलिंग। That's why we are trying and giving a lot to vlogging. So I hope you guys will like us and do subscribe and like and comment कि हमारा कैसा है पहला vlog। अगर अच्छा रहा तो हम आगे और भी बनाएंगे। थोड़ा प्यार दिखाइए ताकि हमें motivation मिले आगे कुछ करने के लिए। See you soon in Wagha border. So we'll keep you updated. Yeah guys, finally we arrived at Wagha border. और हमने फ्लैग से बनवा ली है अपने चीक पे एंड फुल पेट्रियटिज्म वाली फीलिंग आ रही है। ये भी पार्किंग की है गाड़ी में। पार्किंग में गाड़ी पार्क की है। बस अब यहाँ से अंदर जाएंगे। एंट्री कहाँ से है इसकी? अच्छा इधर से। ये देखिए बहुत ही पेट्रियोटिक माहौल है चारों तरफ। रंग बिरंगे तिरंगे लहराए जा रहे हैं। चेहरों पे लोगों ने तिरंगे बना रखे हैं। कोई हाथ में झंडा लेके जा रहा है, कोई सिर पे टोपी डाल रहा है। काफी जुनून भरा लोगों में। काफी हमारे साइड से भी एक बंदे ने लिया। ये हमारा छोटा रघु, इसने फ्लैग लिया है। अभी ले लूं, फ्लैग नहीं बनवाया मुंह पे। तो काफी अच्छी वाइब है। बाकी अंदर जाके देखेंगे कैसा माहौल है, आपको दिखाते हैं अंदर जाके। यस लेट्स गो। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ। हमारे 300 व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? क्या पता वो 3 लाख हो जाए। Hope for the best. Thank you. We are arriving to the entry of Wagha border. Entry की तरफ बढ़ते हुए आप यहाँ पे चारों तरफ रश देख सकते हैं। काफी भीड़ है। ये देखिए अब हम एंट्री ले रहे हैं वाघा बॉर्डर की स्टार्टिंग में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है। लड़का और लड़कियों की लाइन अलग होती है। ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पे 2 घंटे पहले आई। परेड स्टार्ट होती है 5:15 PM पे समर्स में और 4:15 PM में विंटर्स पे। और अगर आपको एंट्री नहीं मिलती बिकॉज सीट लिमिटेड होती है, आपको बाहर टीवी पे ही ये देखना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं कि हम सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी में भी आपके बैग चेक होते हैं, आपकी खुद की चेकिंग होती है, फिर ही आपको आगे जाने दिया जाता है। सिक्योरिटी से आगे बढ़ते ही आपको दिखेंगे सामने जयंती द्वार, जिसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। और राइट और लेफ्ट साइड में भी आपको काफी अट्रैक्शन आ चुके हैं वाघा बॉर्डर के अंदर। काफी सालों बाद यहाँ आना हुआ है। बचपन में गया था। आप कितनी बार आ चुके हैं? 5-6 बार। 5-6 बार। लास्ट कब आए थे? 2 साल। 2 साल पहले और कोविड। कुछ बदलाव दिख रहा है 2 साल में? सेम है, कोई बदलाव नहीं 2 सालों में। पर मेरे को काफी बदलाव दिख रहा है 15 सालों में। 15 सालों में तू भी तो बदल गया है ना? पर वो आर्मी वो बॉर्डर आज भी यही है, वो नहीं बदला। सब कुछ बदल गया पर वो दुश्मनी आज भी कायम है। लोग उसी जज्बे के साथ आए हैं पाकिस्तान को दिखाने कि हमें कितना जुनून है। सबके हाथों में तिरंगे हैं, देख सकते हैं आप। ठंडी पानी की बोतलें भी, गर्मी जूझने के लिए पानी की बोतलें भी हैं। ये आ गया मेन गेट। पर अब हम द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट और राइट साइड में आपको काफी अट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेयर्स लेके फाइनली आप स्टेडियम की तरफ बढ़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स हैं। कोई भी अच्छा लोकेशन पिक करके आप बैठ सकते हैं नीचे या ऊपर। यस गाइस, फाइनली हम बैठे हैं इस टाइम वाघा बॉर्डर पे। यहाँ से आपसे देख सकते हैं 200 मीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पे कुछ देर में परेड शुरू होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद। तब तक बैठना पड़ेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। पहले आके एंट्री ले लें हमेशा। जब भी यहाँ पहुंचे 4 बजे तक पहुंच जाए
वरना उसके बाद आपको सीट मिलना तो नामुमकिन है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मैं जैसे तैसे करते पड़ते यहाँ पे आई हूँ। आयुष और मैं सेपरेट हो गए हैं बिकॉज लड़का और लड़की की अलग क्यूज थी, और आप अभी भी देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन है। एंड ओके, होप इट्स फॉर द बेस्ट एंड होप इट्स गोना बी गुड। तो चलो लेट्स गो अहेड। मैंने बताया था कि हम लोग डिवाइड हो गए हैं। अब आयुष उस साइड चला गया है एज यू कैन सी, और हम इस साइड है, दिस साइड। Yeah.
किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। गाइस फाइनली हम वाघा बॉर्डर से वाघा बॉर्डर अटारी वाघा बॉर्डर इसका पूरा नाम है बाहर आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, गूज बम्स रेज हो गए। एक बार तो गाइस आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए अमृतसर आके। देखिए गाइस यहाँ पे दो टाइप्स की पार्किंग है, एक जो ऊपर है एज यू कैन सी यहाँ पे क्यू लग गई है और आगे जाके भी बहुत लंबी क्यू है। इसका कॉस्ट है 20 रुपीज़ और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है जिसका कॉस्ट है 125 रुपीज़ पार्किंग का कॉस्ट। यहाँ तो आप देख सकते हैं क्या 100 रुपीज वर्थ है, थोड़ा सा टाइम आई थिंक 5 मिनट्स बचाने के लिए। और पानी की बोतल बाहर से बिल्कुल मत ले जाना, अंदर आपको सब सर्विस अवेलेबल है, पानी कोल्ड कॉफी पॉपकॉर्न चिप्स सब मिलेगा, एवरीथिंग विल गेट और सही दाम में मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। सेम MRP सब हर चीज MRP पे, 20 रुपए की पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट MRP पे, सब कुछ MRP पे। ओवरऑल वहाँ की जो वाइब थी वो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे सब एक साथ शेयर कर रहे थे जो, और जाए तो प्लीज कुछ खा के जाए, थोड़ा एनर्जेटिक होके जाए, इज्जत का सवाल होता है वहाँ पे, पर ऑब्वियसली इंडिया ही जीतता है उसमें हर बार, हमारा क्राउड ऑब्वियसली सबसे आगे है। मुझे आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, मैं लगभग हर साल साल में आता हूँ और बहुत मजा आता है यहाँ पर। ओह वाओ, पापा जी आप बताइए कैसा था, आप पहली बार आए यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, मैं 8-10 बार आ चुका हूँ। ओह आप भी 8-10 बार आ चुके हैं? जी हाँ जी, इस बार कुछ ज्यादा ही मजा आया है। इस बार हम साथ है ना इसलिए। मम्मा आप बताओ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। मामी आप बताइए कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम था लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत परेशान किया। तो चलो गाइस वी आर गोइंग टू लॉग ऑफ नाउ एंड वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम अब जा रहे हैं हरमंदिर साहिब अमृतसर, वहाँ जाके आपको बाकी का अपडेट देंगे आगे। सो पार्ट 1 इज कम्प्लीट, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून, बाय बाय।